लड़ रहे ने साडे लई लड़ रहे ने सो साडा भी फर्ज बनता है जे साडे लई साडे नाम तोर रहे ने ते असीं आपदे होरना साथियां नूं कहीए कि इह जिन्हां ने फार्म भी नहीं भरे वह भी साडे नाल तोर रहे ने ते तुसीं फार्म भरे होए ने तुहाडा हक बनता साडे नाल तुरन दा साडे नाल लड़ाई लड़न दा क्योंकि आपां आपदी लड़ाई कल्ले नहीं लड़ रहे इह सारिआं लई आ इह साडी सांझी लड़ाई आ इह असीं तां ही जित सकदे आ जे सारे रल के लड़ांगे तां सो बहुत बहुत धन्यवाद करमजीत भाई का सो हम मैं भी कृपाल को बेनती करूँगा कि आओ आपके विचार रखे कृपाल भी करमजीत जी हमने दस के गया अपने सामने आंकड़े रखे गए ठीक है भी सरकार कितना हेर फेर करके सानू झांसे च लै रही ने साढ़े नाल फरेब कर रही है अपने परिवार जो घर बैठ के टीविया दे देखते हैं न्यूज़पेपर च पढ़ते ने भी इनिया नौकरियां लगियां जी सरकार ने आ करता वो करता पर असलियत जो है वो आंकड़े जिवें वीरे ने दसे ने आपां नूं उहदे आधार ते आपां अगर देखिए तो जिहड़ियां सरकारां ने वो अपने नाल झूठ कर रही ने फरेब कर रही ने धोखे धड़ी हो रही अपने नाल मैं तुहानूं एक बेनती करनी चाहुंदा जिवें वीरे ने पहला दस्सिया भी अपने कोल प्रशासन तो पुलिस मुलाजम आए सीगे वह कह के गए भी तुसीं अपना मंग पत्र दिओ सानू जो असीं सीएम सर नूं तुहाडे मंग पत्र रख देंगे उन्हां सामने वह तुहाडियां जिहड़ियां मंगां ने उन्हां ते गौर करनगे तुहाडा हल करनगे ते साडा फैसला इही सी कि सर असी मंग पत्र तो ऑलरेडी बहुत दे चुके ने हरेक जिले के आप जगह जगह डीसी साहब न एस डी एम साहब न सब जगह मंग पत्र दे चुके हैं इतों तक आप डी जी पी मैडम गुरप्रीत दिओ मैडम को भी जेडे भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन ने अपना भी मंग पत्र दे चुके हैं पर ना कोई सुनवाई होने ना कोई एक्शन होने आप इतने आए हैं आप मजबूर हुए हैं इतने तक आने गल रखांगे थोड़ी मीटिंग करावांगे तो असीं कहा भी ये आश्वासन असीं पहला ऑलरेडी बहुत लै चुके ठीक है असीं डिसाइड करके आए हैं भी असीं इत्थे पक्का बैठना जिन्ना टाइम साडी मीटिंग नहीं होंदी जिन्ना टाइम साडे नाल सीएम सर मिलदे नहीं हैगे साडियां मंगां नहीं मंनदे हैगे साडा हल नहीं करदे हैगे उन्ना टाइम असीं इत्थे बैठांगे तो अगे की कार्रवाई जो होएगी जो कमेटी वाली डिसाइड होगा थोड़े भरावों की सलाह के नाल सारा कुछ आप डिस्कस करते रहेंगे तो एक बेनती होर इतने आप जो कट है वह बना के रखना पैना मेरे वीर तो यू वधाने की कोशिश करो आप जो कट के तो आप टुट जाना कोई भी जंग है वो किसी तरीके जीती जा सकती है जिन्हें इतने अज आए हो मैं सब तो पहला तो धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए भी तुम अपने आप की जड़ी शमूलीयत करके अपने जागदिया जमीर का एक दिता है कि हाँ जी असं जागते हैं साड़िया जमीर जाग दया ने तो अपने लिए एक बार खुल के ताड़ी ला लो भी क्योंकि सरकारां खिलाफ लड़ना हर एक दे वस की गल नहीं हैगी क्योंकि बहुत चीज़ा ने जिहड़ियां आपां दब के रह जांदियां ने एक सरकारी मुलाजम के तौर पर भी जे देखिए तां बहुत सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां आपां नूं दबना पैंदा है तुसीं इत्थे आए हो तुसीं इह प्रूव करता कि तुसीं अपने हक लैण वास्ते आए हो तुहाडे हक्कां दे लई नाल अपने करमजीत माणके वीरे होनी सपोर्ट कर रहे नौजवान भारत सभा तो इन्हों का कोई इस निजी फायदा नहीं है कोई हित निजी हित नहीं है पर वो फिर भी पहले दिन तो अपने नाल सपोर्ट कर रहे हैं तुसी शुक्रगुजार होना चाहिए आपां नूं इन्हां दा तरीके दे नाल पोलाइटली जो आपां रोज़ करना है वो करना है लाइन वाइज आपां जिद्दां डिसिप्लिन दे विच जाने हैं सेम उस तरह एक लाइन कुड़ियों की एक लाइन मुंडिया की डिसिप्लिन दे विच नारेबाजी करांगे जरूर पर किसी ने उत्थे अनडिसिप्लिन नहीं होना
ਜਦੋਂ ਅਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਭਰਤੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਅੰਕ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 4369 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ 10,000 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ